आज मैं बनाने वाली हूँ झटपट से बनने वाली दो तरह की मिठाई, जिसे आप कभी भी मीठा खाने का मन करे तो झटपट बना के तैयार कर सकते हो। एक रस से भरी हुई जलेबी और दूसरा मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन। तो चलिए सबसे पहले हम चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए एक कप यहाँ पे मैंने चीनी ले लिया है। एक कप जितना पानी डालेंगे, तो जितना चीनी उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे। चीनी को घुलने देंगे। चीनी यहाँ पे घुल चुका है, तो अब इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। तो यहाँ मैंने 3 से 4 इलायची को इस तरह से कूट के डाल दिया है। आप यहाँ पे पाउडर भी डाल सकते हो। अब इसकी चाशनी बना के तैयार करनी है। तो हमें तार वाली चाशनी नहीं चाहिए या गाढ़ी वाली चाशनी नहीं, बल हल्का सा चिपचिपा जैसा चाशनी चाहिए। थोड़ी देर पकने के बाद चाशनी को हम चेक कर लेंगे। तो थोड़ा सा चाशनी ले, हल्का सा ठंडा होने के बाद इसे 2 उंगलियों के बीच में छू के देखें। ये हल्का हल्का चिपचिपा लगना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा वाली चिपचिपा नहीं, हल्का सा, ताकि जब गुलाब जामुन को रस में डालें तो ये अंदर तक एब्जॉर्ब कर पाए। अगर बहुत ज़्यादा आप गाढ़ा चाशनी बना दोगे तो रस अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो ये हल्का सा चिपचिपा लग रहा है। तो चाशनी बनकर यहाँ रेडी हो चुका है। तो इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा विनेगर 1/2 चम्मच के लगभग, ताकि जब चाशनी ठंडी भी हो जाए तो ये जमे नहीं, गाढ़ी ना हो। तो विनेगर या आप थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हो। तो चाशनी बनकर यहाँ रेडी हो चुका है। अब लेंगे मिल्क पाउडर। तो यहाँ कप जितना मैंने ले लिया है मिल्क पाउडर। इसमें 2 छोटी चम्मच घी डालेंगे, 2 छोटी चम्मच सूजी, 2 छोटी चम्मच मैदा डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें हम बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग पाउडर नहीं डालेंगे, बेकिंग सोडा थोड़ा सा, 1/4 छोटी चम्मच के लगभग आप इसमें बेकिंग सोडा डालें, ताकि ये अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार हो। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने ले लिया है थोड़ा सा दूध। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो हल्का सा सॉफ्ट डो जैसा लगाकर तैयार करेंगे। तो दूध थोड़ा थोड़ा डालें, एक साथ दूध नहीं डालेंगे। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ मैंने हल्का सा सॉफ्ट डो लगा के तैयार किया है। थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखेंगे। इसमें सूजी डाला हुआ है और गुलाब जामुन का डो हल्का सा सॉफ्ट ही रखना पड़ता है, ज़्यादा हार्ड नहीं, ताकि जब हम बॉल्स बनाते हैं तो क्रैक्स भी आ सकता है, इसीलिए हल्का सा सॉफ्ट ही रखेंगे। थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए ढक के इसे रख देंगे। 5 मिनट बाद इसे चेक करेंगे। 5 मिनट बाद हथेली में थोड़ा सा घी लगा लेंगे। अब इस डो को हमें 2 से 3 मिनट के लिए मसलते हुए सॉफ्ट कर लेना है, ताकि जब हम इसके बॉल्स बनाएं तो इसमें क्रैक्स दरारें ना आए। तो इस तरह से मसलते हुए इसे सॉफ्ट कर लें। तो यहाँ डो जो है वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। अब हथेली में थोड़ा सा घी और लगा लें और इसके छोटे छोटे बॉल्स लेंगे और इस तरह से हम इसके बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। तो बॉल्स आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा बना सकते हो। यहाँ देख सकते हो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बॉल्स बनाया है। अभी जब ये तेल में फ्राई होगा तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसे अपने हिसाब से आप यहाँ पे छोटा बड़ा बना सकते हो। मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा बॉल्स बना के यहाँ पे तैयार किया है, देख सकते हो आप। तो यहाँ पे बॉल्स बन के तो रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल में मैंने 1 से 2 चम्मच घी डाल दिया है, ताकि इसमें से घी का अच्छा टेस्ट आए। आप चाहे तो इसे सिर्फ घी में भी फ्राई कर सकते हो। गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए तेल हमें हल्का सा गर्म रखना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखेंगे, हल्का सा। इस तरह से ऊपर से भी हम तेल इस पर डालते जाएंगे। आप देख सकते हो कि जैसे मैंने इसमें डाला है तो कैसे हल्का हल्का बबल्स आ रहा है। इतना ही तेल हमें गर्म रखना है। थोड़ी देर बाद इसे पलट लेंगे और चारों तरफ से पलटते हुए अच्छा कलर आने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। लो फ्लेम पे ही हम इसे फ्राई करेंगे। थोड़ी देर बाद आप देख सकते हो कितना प्यारा सा अच्छा सा कलर आ चुका है और पहले से ये कितना काफ़ी बड़ा हो गया है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा गुलाब जामुन बना के तैयार किया है। आप छोटे साइज का भी गुलाब जामुन बना सकते हो। सेम इसी तरीके से बाकी के गुलाब जामुन को भी हम फ्राई कर लेंगे। मिल्क पाउडर से भी बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन बनकर तैयार होता है, बिल्कुल मावा जैसा। अगर आप मावा से गुलाब जामुन नहीं बना पाते हो तो इस तरह मिल्क पाउडर से आप गुलाब जामुन एक बार बनाकर देखो, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने इसे मिल्क पाउडर से बनाकर तैयार किया है।
तो अब इसे हम चाशनी में डालेंगे। तो जब हम गुलाब जामुन इसमें डालेंगे तब चाशनी गर्म रहना चाहिए। अगर चाशनी ठंडा हो गया हो तो चाशनी को गर्म कर ले। गर्म करने के बाद गुलाब जामुन को इसमें डाल देंगे और आप देख सकते हो कितना अच्छा ये गुलाब जामुन लग रहा है। अभी खा लूँ, इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो इसे आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे। आधे घंटे के बाद मैंने गुलाब जामुन के थोड़े से पीसेज को एक बाउल में निकाल लिया है और आप देख सकते हो कि चाशनी में जाने के बाद और भी ज़्यादा ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब बनाते हैं रस से भरी हुई झटपट से बनने वाली जलेबी। जलेबी बनाने के लिए बाउल में लेंगे एक कप मैदा। मैंने यहाँ पे एक कप मैदा ले लिया है। उसका ठीक हाफ दही लेंगे, हाफ कप दही ले लिया है। तो दही हल्का सा खट्टा ले तो ही जलेबी अच्छी बनेगी। खट्टी दही की जलेबी ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होती है। तो आधा चम्मच से थोड़ा कम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे। देखिए घर के इस नॉर्मल चम्मच से मैंने यहाँ पे आधा चम्मच से थोड़ा कम बेकिंग पाउडर डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक बैटर तैयार कर लेना है। तो घोल हमें थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है, लेकिन थोड़ा सा गाढ़ा हम रखेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालें ताकि घोल पतला ना हो जाए और इसे मिक्स करते हुए अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए हमें 4 से 5 मिनट तक फेंट लेना है ताकि जब हम जलेबी बनाएं तो फूली फूली बनकर तैयार हो। तो देखिए इस तरह का हमें घोल रखना है, बहुत ज़्यादा इसे ना मैं पतला रखा है और ना ज़्यादा गाढ़ा। तो इसे मैंने 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से फेंट लिया है। तो बैटर बनके यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसे ढक देते हैं तब तक और चलते हैं तब तक इसकी चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए एक कप मैंने यहाँ पे चीनी ले लिया है और हाफ कप जितना इसमें पानी डाल देंगे। फ्लेम को आप इस समय हाई रख सकते हो ताकि चीनी जल्दी से घुल जाए। चीनी यहाँ पे घुल चुका है, अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डाल दिया है नींबू का रस आधी छोटी चम्मच के लगभग और थोड़ा सा केसरी फूड कलर। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। नींबू का रस के जगह पे आप विनेगर भी डाल सकते हो, इससे चाशनी गाढ़ा नहीं होता है। अब हम चाशनी को थोड़ी देर पकने देंगे, इसके बाद चाशनी को चेक करेंगे। तो हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, हल्का सा चिपचिपा चाशनी। थोड़ी देर बाद चाशनी को चेक कर लेंगे तो देखिए इसमें कोई तार नहीं बन रही है, बस छूने से ये हल्का सा चिपचिपा लग रहा है। तो हल्का सा ठंडा होने के बाद ही आप चाशनी को चेक करें। तो चाशनी बनकर यहाँ पे रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक की जो मोटी वाली थैली होती है वो थैली ले लिया है। उसके कोने के साइड से थोड़ा सा कट कर लेंगे। आप यहाँ पे नमक की थैली, दूध की थैली या टमेटो सॉस वाली जो केचप वाली बॉटल होती है वो भी आप ले सकते हो। मतलब जो भी आपको आसानी लगे बनाने में, वो भी ये कोन हो तो कोन भी ले सकते हो। तो थोड़ा सा इसे कोन को हल्का सा कट करके इसे मैंने डाल दिया है ग्लास में। बैटर को एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर ले और बैटर को इस थैले में डालेंगे। ऊपर से पकड़ते हुए रबर लगा लेंगे ताकि ऊपर के तरफ जो है बैटर फेंके ना, निकले नहीं। तो ऊपर से मैंने यहाँ रबर लगा लिया है। तेल को भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो पैन में यहाँ मैंने तेल गर्म होने के लिए रखा है। इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है ताकि घी का फ्लेवर आए। पैन हमें चौड़े तले वाले लेने हैं ताकि जलेबी बनाने में आसानी हो। और थोड़ा सा लेना है, बहुत ज़्यादा तेल इसमें हम नहीं लेंगे, थोड़ा सा तेल लेंगे। अब इसे हम गोल गोल घुमाते हुए ऊपर से दबाते हुए हमें जलेबी बना लेनी है। स्टार्टिंग में जब हम जलेबी बनाते हैं उस वक्त तेल काफ़ी अच्छा गर्म रहना चाहिए। फ्लेम को भी आप हाई रख सकते हो, अगर तेल ठंडी हो तो अच्छी खासी गर्म कर ले। इसके बाद हम जलेबी बनाएंगे। जलेबी बनाने के बाद टेम्परेचर को हम लो टू मीडियम कर देंगे और 2 से 3 मिनट इसे फ्राई करेंगे। जैसे ही इसमें कलर आ जाए इसके बाद इसे पलट लेंगे। अगर तेल ठंडा रहेगा तो जलेबी चपटी बनेगी। अगर बैटर आपको कुछ ज़्यादा पतला लग रहा हो तो थोड़ा सा मैदा डाल के आप इसे गाढ़ा कर सकते हो। तो देखिए जलेबी में कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। तो जलेबी आप अपने हिसाब से बना सकते हो। अगर आपको ज़्यादा डार्क लाल लाल जलेबी पसंद है तो आप इसे ज़्यादा कलर आने दो। अगर हल्का सा, तो हल्का कलर आने के बाद आप इसे चाशनी में डाल सकते हो। तो जैसे इसमें कलर आ जाए इसके बाद हम इसे डाल देंगे चाशनी में। चाशनी में डालने के बाद इसे हमें तुरंत निकाल लेना है 1 से 2 मिनट के बाद। बहुत देर तक इसे हमें चाशनी में नहीं छोड़ना है। जलेबी को मैंने यहाँ चाशनी में डाल दिया है।
इसे इस तरह से डुबो लें और तुरंत 1 से 2 मिनट में इसे हम निकाल लेंगे। जब भी आप जलेबी तेल में फ्राई करें तो तेल अच्छा गर्म रहना चाहिए। अगर आपको गाढ़ा बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा हो, नहीं निकल रहा हो, तो हल्का सा आप उसे पतला कर लें। अगर यह पतला लग रहा है तो थोड़ा सा मैदा डाल के आप उसे गाढ़ा कर सकते हो। तो इसी तरीके से सेम प्रोसेस से आप टेस्टी टेस्टी झटपट से जलेबी बनाकर तैयार कर सकते हो। तो बहुत ही टेस्टी रस से भरी हुई जलेबी बनकर रेडी हो चुका है और टेस्टी टेस्टी मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन, तो आप भी इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।